नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा का असली सच आपके सामने लेके आ रहे हैं। ऐसे ही सच देखने के लिए लगातार देखते रहिए द फैक्ट आई। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम कंचनी है। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई है? मैं नानी तो। आप इतने लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई है और आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी डेरा में उपस्थित है, तो आपको क्या लगता है, आपका यहाँ आना सही है? साडा तो इत्थे आना वधिया समता लगता है, होर किते जाण दा साडा मन ही नहीं बनदा। तो जो भी कुछ मीडिया ने दिखाया उससे आपको कितना फर्क पड़ता है? बेटे की मैरिज भी, मेरी मैरिज भी, बेटी की मैरिज भी, ऐसे जही पेकी है। मैं भंगी दास हाँ, अजीत रोड रेलवे की बठिंडे का, बठिंडा साडा ब्लाक। आज आपका इतना विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण है? सानू मालक ही, जो कुछ है साढ़े लिए तो मालक ही है, तो होर कुछ बारे वैसे तो सोचा भी नहीं। सानू तो मालक ने जो कुछ दिता, मालक ने दिता सानू। तो क्या आप आगे भी डेरा से जुड़ी रहेंगी? हाँ जी, मरते दम तक शरीर दान कर दे, फार्म भरे हुए हैं साढ़े। ये जो आपने बताया कि शरीर दान के लिए, तो इसके लिए आपको किसे प्रेरणा मिलती है? सानू तो भी सतगुरु ने प्रेरणा दी है, भी इस अपने शरीर नाल तो कुछ जाना ही नहीं अपने, है ना, अपन साड़ देंगे राख बन जो की फायदा। तो क्या और भी डेरा फॉलोवर इस बात को फॉलो करते हैं, वो भी शरीर दान के लिए फार्म भरे हुए हैं? हाँ जी, साढ़े भी 200 की साह संगत है अजीत रोड एरिए सामने भरे हुए हैं जी। तो क्या आप अपनी वीडियो द्वारा लोगों तक क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो? अस तो यही कहने भी आ जो बुराइयां नूं छोड़ के इधरले पासे आना चाहिए, नशा तो बचते हैं बच्चे, सारा कुछ आपां नूं इत्थे ही है जी। सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से यही अपील करना चाहिए, साढ़े गुरु छेती छेती दे रूप के बच्चे इतने साढ़े सामने आना चाहिए, साढ़े गुरु ने कुछ किया ही नहीं, सच्चाई है जो कुछ है जी। मैम धन्यवाद।